हम सब लोग योग करेंगे जिससे हम लोग अपने शरीर मन बुद्धि और आत्मा को आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। करेंगे स्कंद का अभ्यास करने से पहले ध्यान रखेंगे कि स्कंद में कोई किसी को अगर जकड़न है तो वो इसका अभ्यास नहीं करेगा। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का गैप, दोनों हाथ जंघों के पास, एक ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अंगूठा और पहली उंगली को आपस मिलाएंगे, एक ज्ञान मुद्रा कहलाता है। आंखों को बंद करके 3 टाइम्स लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्ट। उच्चारण करेंगे श्वास लेते हुए हमारे साथ, हर राउंड की शुरुआत में करूंगा। सर्व आशीर्वाद होगा, उसके बाद राष्ट्रगान के बाद ही कोई प्रस्ताव करेंगे। एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के श्री धर्मेंद्र जी, सैंड आर्टिस्ट जिन्होंने ये खूबसूरत सैंड आर्ट का प्रदर्शन किया, उनको भी मैं आपका सारा नाम से करती हूँ। सैंड आर्टिस्ट सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। रिलैक्स। इस कंध की क्रिया के बाद हम लोग अभ्यास करेंगे कटी कटी माने होता है कमर। दोनों पांव के बीच में 1 फुट की दूरी, श्वास अंदर भरते दोनों हाथ सामने। अब श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से हम लोग दाएं ओर घूमेंगे, जितना घूम सकते हैं घूमेंगे। श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूमेंगे, श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। वापस आते समय श्वास को छोड़ देंगे। एक कहलाया एक राउंड, इसी तरह एक राउंड और अभ्यास करेंगे। और करेंगे श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास अंदर बढ़ते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाएं, छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। स्कंद का दूसरा चरण है स्कंद चक्र। श्वास अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर लाएंगे और कोहनियों से मोड़ते हुए यहाँ पे रखेंगे अपने शोल्डर पे। ग्रीवा का जो तीसरा चरण है इसमें हम अपने ग्रीवा को दाएं और बाएं घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ग्रीवा का जो दूसरा चरण है इसमें हम अपने गर्दन को दाएं और बाएं झुकाते हैं। चलिए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाएं ओर झुकाएंगे। हम रिकॉर्ड हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा के फलस्वरूप, उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप यूनो ने इसे पास किया। आज पूरी दुनिया ने इसे एक योग का, भारत का लोहा माना है। मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर योग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें, मन और शरीर को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार योग